स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद में। और आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूपीआई आईडी कैसे बनाएं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूपीआई आईडी कैसे बनाते हैं तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको सिंपल और आसान भाषा में बताया जाएगा बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूपीआई आईडी कैसे बनाते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप हमारे मोबाइल की स्क्रीन देख सकते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन पर क्लिक किया तो यहाँ पर बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन का इंटरफेस हमारे सामने कुछ इस तरह से आ चुका है। सबसे पहले आपको बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में लॉगिन करना है। आप चाहे तो यहाँ पर अपने पिन से लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप फिंगरप्रिंट से भी इसे लॉगिन कर सकते हैं। हम यहाँ पर फिंगरप्रिंट पर एक बार क्लिक करते हैं और हम यहाँ पर फिंगरप्रिंट टच करते हैं तो यहाँ पर अब हम बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूपीआई आईडी बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर नीचे एक यूपीआई का फीचर दिया गया है। आपको सिंपल यहाँ पर यूपीआई पर एक बार क्लिक करना है। यूपीआई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा समय लेगा और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिखाई देगा, उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। ध्यान रहे यहाँ पर आपका वही बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए जो नंबर आपने अपने बैंक वालों को दिया है। यहाँ पर आपको अपना वो नंबर डालने के बाद जो आपके अकाउंट में आपने दिया है उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, यहाँ पर मुझे 30 सेकंड का वेट करना पड़ रहा है। जब तक 30 सेकंड यहाँ पर पूरे होते हैं तब तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। काफी समय वेट करने के बाद अगर आपका ओटीपी नहीं आता है तो आपको दोबारा यहाँ पर क्लिक रिसेंट ओटीपी पर एक बार क्लिक करना है। और अगर आपका मोबाइल नंबर आपके फोन में है तो ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल आपके ओटीपी को वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ आंसर टाइप करने हैं, यानी कि अगर आप अपना यूपीआई पिन भूल जाते हैं तो आप उसे रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक बार क्लिक करते हैं और हम यहाँ पर रेड लिख देते हैं। यहाँ पर हमसे फेवरेट कलर पूछा जा रहा है तो हमने यहाँ पर रेड लिख दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर एक बार क्लिक करना है। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो यूपीआई आईडी है वो बन चुकी है। यहाँ पर हमारा नाम आ चुका है और यहाँ पर कुछ अक्षर आ चुके हैं, उसके बाद @BarodaPay लिखा हुआ आ चुका है। आप यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की यूपीआई का इंटरफेस कुछ इस तरह से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पे का फीचर है, अगर आप यूपीआई से किसी को पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पे पर क्लिक कर सकते हैं। कलेक्ट का फीचर यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ से आप मनी कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड का फीचर दिया गया है, आप यहाँ पर यूपीआई के द्वारा क्यूआर कोड से स्कैन करने के बाद भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैंडेट का फीचर दिया गया है और यहाँ पर आपको कलेक्ट अप्रूवल का फीचर दिया गया है। मोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ फीचर दिए गए हैं जैसे कि प्रोफाइल, माई अकाउंट, जनरेट क्यूआर कोड, यूपीआई आईडी मैनेजमेंट, कनेक्टेड मैनेजमेंट, अनलॉक यूपीआई आईडी, डी रजिस्टर, डेबिट बैंकिंग, डिस्पोर्ट मैनेजमेंट, माई डेबिट लिमिट, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, प्राइवेसी पॉलिसी और यहाँ पर है क्वेश्चन आंसर। नीचे की तरफ आप यहाँ पर दोबारा अपनी यूपीआई आईडी देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट नंबर देख सकते हैं। यहाँ पर आप यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, पिन को रिसेट कर सकते हैं, पिन को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर सेंड सेल्फ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर मनी सेंड भी कर सकते हैं। बैलेंस चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक बार व्यू बैलेंस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर अब हमें अपना यूपीआई पिन डालना है तो हम यहाँ पर अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का यूपीआई पिन डाल लेते हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा का यूपीआई पिन यहाँ पर डालने के बाद आपको नीचे राइट के निशान पर एक बार क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का बैलेंस देख सकते हैं। यहाँ पर आप टोटल हमारा बैलेंस देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी इतनी लिमिट है, जितना हमारा बैलेंस है उससे ज्यादा हम यहाँ पर पैसा सेंड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपको डन पर क्लिक करना है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर 3 लाइन का फीचर दिखाई देगा, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ शॉर्टकट में बैंक ऑफ बड़ौदा यूपीआई के फीचर दिए गए हैं जैसे कि स्कैन पे, पे टू कलेक्ट, सेंड सेल्फ। यहाँ पर सेंड सेल्फ में आप अपने ही अकाउंट पर पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरह आप बड़ी आसानी से बैंक ऑफ बड़ौदा ऐप में यूपीआई आईडी बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।